हनीफा है और मैंने बीकॉम करने के बाद पीजी किया क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर लीडरशिप प्रोग्राम में, जिसमें मुझे ये मैंने देखा कि हमारे कश्मीर में जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है उसके साथ मतलब वो किस लेवल पे था और कहाँ पहुँचा है, लेकिन हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, और हमारे आर्टिजन जो है वो क्यों छोड़ रहे हैं और उसके लूप होल्स क्या है जिनको हम फिलअप कर सकते हैं। तो वो पूरा हमने, क्योंकि केस स्टडीज़ वगैरह की और हम बाहर भी, बाहर जो हम गए बांदनी में या दूसरी जगह गए, अहमदाबाद गए, दिल्ली गए, तो हमने वहाँ भी आर्ट क्राफ्ट को देखा। वहाँ जो है एक कूड़े को मैं बोलूँगी सोना बनाया जाता है, और यहाँ का जो क्राफ्ट है ये खुद ही सोना है, लेकिन इसको हमने खुद ही इतना डिग्रेड किया है कि हमने इसकी वैल्यू ही ख़त्म कर दी। तो वो सब पीजी क्राफ्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर लीडरशिप का जब मैंने प्रोग्राम किया तो वो सब जानने को मिला। जैसे हमारा पश्मीना जो वर्ल्ड ओवर फेमस है उसको भी हमने डिग्रेड कर दिया। उसके बाद हमारे वहाँ ये क्राफ्ट रिवाइवल प्रोजेक्ट आया था, जिसमें हमने 11 क्राफ्ट्स को देखा कि वो लैंग्विशिंग पूरा ख़त्म हो गए हैं, और नमदा भी उसमें एक है जो 98% एक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब 2% इसलिए पहुंचा था क्योंकि हमने भी उसमें कॉटन वगैरह और ब्ली ये कलर्स ऐसे डाले जो एक्सपोर्ट में एलिजिबल नहीं थे। तो फिर 2 इयर्स और 3 मंथ्स का वो कोर्स था। आफ्टर 2 इयर्स हमने जब 3 मंथ्स का वो प्रोग्राम, ये हमें जो हमने जो हमारा प्रोग्राम था वो तीन चीज़ों पर बेस्ड था, डिज़ाइन, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो वो हमें पूरा उस ये 3 मंथ्स का जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें लगाना था। तो लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने सबों ने कहा जहाँ से हमने इंटर्नशिप्स की है हम वहाँ से ही इंटर्नशिप करके वापस आएंगे। तो लेकिन मैंने अपने डायरेक्टर साहब को बोला कि मैं करूँगी कश्मीर में ही कुछ, ताकि हमारे आर्टिजन्स के लिए मैं कुछ कर सकूँ और अपने आप को भी प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो फिर मैंने नमदा को चूज़ किया, रिवाइवल ऑफ नमदा प्रोजेक्ट लिया, जिसमें उन्होंने 300 पीसेस का टारगेट रखा था, और फिर शुक्र अलहमदा मैंने 300 पीस बनाए, और उसमें से हमने फिर इंस्टीट्यूट ने ही मुझे ये प्रोवाइड की जगह दिल्ली में जनपद में कि एग्जिबिट कर सकूँ। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से हमें बाहर ये सेल करने का ये मतलब इजाज़त नहीं थी, क्योंकि हम जैसे लेडीज़ घर से बाहर ऐसे बेचने में वहाँ हमें इजाज़त नहीं मिलती है। तो फिर लेकिन मैंने घर वालों को बोला तब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी जब तक हम मैं इसको सेल आउट नहीं करती। तो फिर वहाँ दिल्ली जनपद में गई जहाँ सिर्फ एम्बेसीज के लोग आते थे, तो उनको लेकिन हम मुझे बहुत एक्सप्लेन करना पड़ा कि पहले नमदा और आज के नमदे में क्या फ़र्क है। जहाँ मुझे ये भी देखने को मिला कि हम कश्मीर का क्राफ्ट जितना वैल्यू रखता था उसको हमने बहुत ही पीछे धकेल दिया है। तो लेकिन शुक्र अलहमदा 85% मैंने सेल आउट किया, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी अपने आप में इस प्रोजेक्ट में। तो जब वापस आई तो इंस्टीट्यूट का काम ख़त्म, मेरा भी काम ख़त्म, तो फिर मैं 8 महीने घर में बैठी रही। लेकिन उस एग्जीबिशन के दौरान एक लेडी रोज़ मुझसे मिलने आती थी और रोज़ सवाल बहुत पूछे। तो फिर 8 महीने के बाद उसने भी फ़ोन किया, बोला बेटा क्या करूँ। मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोला आपका अच्छा प्रोजेक्ट था, तुम काम क्यों नहीं किया। फिर मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा आप प्रोडक्शन स्टार्ट करो, मैं आपको पैसे दूंगी। तो 2 लाख से मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है 2012 से फिर स्टार्ट किया।